दोस्तों स्वागत है फिर से आज इस नई पॉडकास्ट सीरीज़ में। मैं बंटी धीमान और आज मेरे साथ में हैं रोहित गर्ग जी, जो हमारे साथ पहले वीडियो में भी हमारे साथ थे। तो आज फिर से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रोहित जी अभी हमारे साथ रहने वाले हैं, तो इनसे हमने इन्वेस्टिंग के ऊपर बहुत सी बातें जाननी हैं। तो रोहित जी के बारे में आप ऑलरेडी जान तो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस वीडियो को, रोहित जी को पहली बार सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको रोहित जी के बारे में बता देता हूँ। रोहित जी दिल्ली से हैं और रोहित जी के पास, उन्होंने जैसे हमें पहले बताया था कि वो इस फाइनेंशियल इस फील्ड में करीब 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं और इनका एक यूट्यूब चैनल है जिस पर ये फाइनेंशियल वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, इंश्योरेंस के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, स्टॉक मार्केट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो इस तरह से इन्वेस्टिंग के ऊपर भी ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो पहले हमारी वीडियो थी, उस पर हमने रोहित जी से बातें की इंश्योरेंस के ऊपर, उसमें इंश्योरेंस पर हमने बात की, काफ़ी कुछ सीखा। तो आज की इस वीडियो में जो मेन बात होने वाली है वो इन्वेस्टिंग के ऊपर ही होने वाली है, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इस तरह से। तो सबसे पहले रोहित जी का स्वागत करना चाहूँगा एक बार फिर से इस वीडियो में। रोहित जी स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। थैंक यू। ओके रोहित जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, मैंने आपके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो देखी थी, आपने म्यूचुअल फंड के ऊपर एक वीडियो क्रिएट की हुई है, म्यूचुअल फंड, बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बिगिनर्स हैं जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो म्यूचुअल फंड के बारे में बता दीजिए, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड की बेसिक डेफिनेशन है पूल ऑफ फंड्स, यानी बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह इकट्ठा होता है तो एक बड़ा सा पूल बन जाता है उसका फंड। अब बताता हूँ इसको कैसे देखते हैं, कि जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं होती म्यूचुअल फंड्स की, तो वो क्या करेंगे, एक हमारा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बनी होती है अलग अलग, जैसे एक्सिस हो गई, HDFC हो गई, इनके सबके म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, तो इनमें एक फंड मैनेजर होता है, तो लोग उस फंड मैनेजर को एक एक हजार रुपए, दो दो हजार रुपए, 10,000, 1,00,000, जो भी है, जितना जिसका पोटेंशियल है, मंथली SIPs के थ्रू, SIP जो हर महीने पैसे भरे जाते हैं, जैसे EMI होती है, इस तरह के कह सकते हो, हर महीने अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और इन्वेस्ट हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में। दूसरा तरीका है लंपसम, कि आप इकट्ठे एक ही बार पेमेंट कर दो, 1,00,000 दे दो, 2,00,000 दे दो और छोड़ दो उसको, तो वो पैसा आपकी जगह एक एक्सपर्ट, स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट कहते हैं उसे, फंड मैनेजर को, जिसको अच्छी नॉलेज है, सालों का एक्सपीरियंस है, तो आपकी जगह वो आपके पैसे इन्वेस्ट करेगा और जो रिटर्न उसमें बनेगा वो आपको कमा के देगा, बदले में उसके बाद एक छोटी सी फीस लेगा, 1%, 0.5%, 2%, कुछ भी हो सकती है, वो एक फीस चार्ज करेगा और आप जो भी रिटर्न होगा वो आपको बना के देगा। रोहित जी, म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं ये म्यूचुअल फंड्स? देखिए, 3-4 तरह के होते हैं बेसिक। फर्स्ट हम देखते हैं इक्विटी फंड्स। अब इनमें सब कैटेगरीज हम कह सकते हैं, अलग अलग तरह की कैटेगरीज होते हैं, जैसे इक्विटी फंड्स हैं, इक्विटी में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, सेक्टोरल फंड हो गए या थीमेटिक फंड हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, या अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं। दूसरी तरफ एक इक्विटी के अलावा दूसरे तरह का फंड होता है डेट फंड। डेट फंड जो हम जैसे 1,000 या 2,000 जो इकट्ठे करके पैसे देते हैं, तो वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे बॉन्ड्स हो गए, किसी कंपनी ने बॉन्ड इशू करे हैं, गवर्नमेंट ने भी बॉन्ड इशू करे हैं, जैसे NTPC सरकारी कंपनी है, रेलवे के बॉन्ड आ रहे हैं, किसी तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड आ रहे हैं, RBI के बॉन्ड आ रहे हैं, उनमें वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो 7-8-9% जो भी ब्याज उसमें बन रहा होता है तो उसके अंदर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा एक तरह होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड दोनों का मिक्सचर है, इक्विटी तो खाली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, डेट में खाली गारंटीड फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, हाइब्रिड दोनों का मिक्सचर, दोनों में मिला के। अब वो परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकते हैं कि 40% इक्विटी में कर रहे हैं, 60% डेट में कर रहे हैं, या इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, लेकिन हाइब्रिड का मॉडल यही रहता है कि दोनों में मिला के इन्वेस्ट करते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, बाकी इसके अंदर अलग अलग सब कैटेगरीज हैं, वो फिर किसी दिन उनका डिस्क्रिप्शन देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके और रोहित जी, आपने SIP के बारे में और लमसम के बारे में थोड़ी सी बीच में बात की थी, तो SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट में से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? देखो, मेरा मानना है दोनों,
एसआईपी तो है ही, हर मंथ आप इकट्ठे लगाते जाओ। एसआईपी का देखिए मेन पर्पस क्या होता है कि मार्केट में हर आदमी चाहता है कि सबसे कम रेट पे हमें चीज मिल जाए और महंगे रेट पे माल बिक जाए, लेकिन हमें नहीं पता वो सबसे कम रेट क्या है, हम टाइम तो कर नहीं सकते मार्केट को। तो एसआईपी एक ऐसा मीडियम है, आपके हर महीने पैसे कटेंगे, हर 3 महीने में या 6 महीने जो भी आपने टाइम पीरियड सेलेक्ट कर रखा है वो पैसे टाइमली आपके बैंक अकाउंट से कटते जाएंगे और म्यूचुअल फंड के अकाउंट में आपके जमा हो जाएंगे पैसे, और वो स्टॉक मार्केट में फंड मैनेजर अपने आप इन्वेस्ट कर देगा अपने हिसाब से। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे जो भी वो हमेशा चलती रहती है, तो आपके वो पैसे टाइम टू टाइम इन्वेस्ट होते रहेंगे, चाहे मार्केट नीचे हो या ऊपर हो, जैसे भी हो आपकी एवरेजिंग चलती रहेगी। जो आपने शेयर खरीदे हैं तो फंड मैनेजर ने आपके बिहाफ पे, तो वो एवरेज होते रहेंगे। दूसरी तरफ एक होता है लंपसम। लंपसम मैं इसलिए कहूंगा, जैसे कभी क्या होता है मार्केट में क्रैश आते हैं, जैसे आपने कोविड में देखा एक बड़ा क्रैश आया, लोगों ने म्यूचुअल फंडों में पैसा लगाया था, एक बार को कम हो गए थे वो। लेकिन अगर उस टाइम लोगों ने लंपसम डाल लिया बिना डरे, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे बढ़ जाती है अपने आप, कुछ टाइम लग सकता है लेकिन बढ़ जाती है, उस टाइम अगर लोगों ने लंपसम में पैसे डाल दिए 1 लाख 2 लाख जितना भी उनमें पोटेंशियल है, 10 लाख 1 करोड़ जो भी, तो वो धीरे धीरे वो भी बढ़ेगा, क्योंकि लंपसम आपने करा लो रेट पे मार्केट जब नीचे थी, तो आपको रिटर्न एक अच्छा बन जाएगा, ज्यादा बेटर रिटर्न आएगा, जल्दी रिटर्न आएगा। तो इस तरह से दोनों का मिक्सचर करके इन्वेस्ट करें। बाकी अगर जो लमसम नहीं कर सकते, खाली एसआईपी के थ्रू करना चाहते तो बिल्कुल वेलकम है, वही करें। अगर या फिर जो खाली लमसम ही करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट तो ऊपर ही ऊपर जाती है, आप निफ्टी देख लीजिए, सेंसेक्स देख लीजिए, पहले कहां थे आज से 10 साल पहले और आज कहां है, तो अगले 10 साल बाद यहां भी नहीं होंगे, आज जहां है ये ऊपर ही जाएंगे। ओके, और रोहित जी कोई बिगिनर्स के लिए कोई स्ट्रेटजी बता दो, यानी कि हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में करनी चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू करनी चाहिए? देखो अलग अलग वे हो सकता है हर किसी का सोचने का, जो जिन लोगों का एंटरटेनमेंट चाहिए या खाली सट्टा खेलना है, बस थोड़ा बहुत पैसा बन जाए सट्टा एंटरटेनमेंट, तो वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट लोग वो भी करते हैं, ना कोई रिसर्च करते ना कुछ, किसी ने ये बता दिया वो बता दिया, वो लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं। दूसरी तरफ जो लोग नहीं इतना टाइम दे सकते, जो रिसर्च वगैरह नहीं कर सकते, तो वो लोग अपना म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं। बेसिकली कहा जाए तो जिन लोगों को नॉलेज है, अच्छी खासी नॉलेज है, काफी टाइम दिया उन्होंने या रिसर्च कर रहे हैं या इच्छुक हैं इसमें करने के, तो फिर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप रिसर्च वगैरह नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है या फिर आप नहीं कर पाएंगे वो रिसर्च वो सब चीजें, तो फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाएं, वही बेस्ट है, क्योंकि इसमें एक्सपर्टीज चाहिए। कोई जैसे आप कोई भी आज कोई दुकान खोलते हैं, कुछ काम खोलते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस नॉलेज चाहिए। ये भले ही सबके लिए एंट्री इसके अंदर इजी है, कोई भी अकाउंट खोल के इसमें एंट्री कर सकता है, लेकिन बिना एक्सपीरियंस के बिना नॉलेज के अगर घुसेंगे तो नुकसान कर जाएंगे। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहूंगा किसी को भी स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले उसको सीख लें समझ लें उसके बाद डायरेक्ट जाएं, नहीं तो स्टार्टिंग आप म्यूचुअल फंड से करें वही बेस्ट है। और रोहित जी टैक्स सेविंग के लिए कोई अच्छी स्कीम्स के बारे में बता दीजिए। म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल जैसे आप इक्विटी डेट या हाइब्रिड फंड्स होते हैं उसमें, एक दूसरा होता है ईएलएसएस। ईएलएसएस कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जो पहला वाला जो मैंने आपको बताया उसके, वो तो टैक्स आपका लगेगा उसके अंदर जो भी आपका प्रॉफिट आएगा म्यूचुअल फंड में। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और कुछ 6 महीने बाद ही आपको 20,000 का उसमें प्रॉफिट आ गया, फॉर एन एग्जाम्पल, ये कोई ऐसा नहीं कि ऐसा हो गई, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए 20,000 का आपको प्रॉफिट हो गया, तो इस 20,000 के ऊपर शॉर्ट, और आपने 1 साल से पहले वो बेच दिए, तो आपको इस 20,000 के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनेगा, जो कि रिसेंट गवर्नमेंट के स्लैब्स आए हैं उस पर 20% का टैक्स है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी 20,000 का 20% हो गया तो 4,000 रुपये, 4,000 आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो और दूसरा, और 1 साल के बाद अगर ये म्यूचुअल फंड आप सेल करते हैं तो 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनता है। अब दूसरी तरफ है ईएलएसएस फंड्स, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जिसे कहते हैं, जो गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले लॉन्च किया था। इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम आपको 3 साल का आपका लॉक इन रहेगा, यानी अगर आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया इसके अंदर तो 3 साल तक आप उसको बेच नहीं सकते किसी भी हाल में, उसमें लॉक इन है। 3 साल बाद आपको जो भी उसके अंदर अमाउंट आएगा आप उसको म्यूचुअल फंड को बेच के रिडीम करके, तो जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है या जो भी है वो आपका टैक्स फ्री रहेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये गवर्नमेंट ने प्रोविजन कर रखा है। तो कस्टमर्स के पास ऑप्शन है, जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। ओके, अच्छा जो लोग बिगिनर्स हैं वो म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर उन्हें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए?
देखो मैं म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले यही गाइड करूंगा, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करे। अगर यंग एज में है कोई पर्सन, 20s में है, 30s में है, तो मैं उनको रेकमेंड यही करूंगा वो इक्विटी में जाना चाहिए उनको, क्योंकि वो एक ऐसी एज में वो रिस्क ले सकते हैं, उनको अभी बहुत कुछ करना है और आगे उनको बड़ा पैसा बनाना है, उनको अपनी लाइफ अच्छी बनानी है, तो उनको एग्रेसिव रहना चाहिए। अगर वो शूज ही डेट इंस्ट्रूमेंट्स में चले जाएंगे, 7-8% एफडी का ब्याज खा रहे हैं उसे, तो फिर वो दाल रोटी चलेगी और इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको फिर तो इक्विटी में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ डेट फंड है, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा आपका पार्ट सेफ भी रहे, ऐसा नहीं पूरा ही एग्रेसिव चले जाए, तो आप डेट में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं कि कुछ पार्ट, फॉर एन एग्जाम्पल 60% आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, 20% या 30% आपने डेट इंस्ट्रूमेंट में या डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, और 10-15% 20% तक आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। गोल्ड भी सेफ है, सबको पता है रेट ऊपर ही जाएगा टाइम के साथ साथ, तो गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे तो एक लॉन्ग रन में एक आपका अच्छा रिटर्न बन जाएगा, ये आप देख सकते हैं। यंगस्टर्स को यही मेरी सलाह है। रोहित जी, आपने गोल्ड की बात की, गोल्ड परचेज करने का या गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? देखो, इंडियंस ज़्यादातर ज्वेलरी प्रेफर करते हैं, जो कि मेरा मानना है सबसे खराब तरीका है इन्वेस्ट करने का, अगर इन्वेस्ट करना है। अगर पहननी है तो ठीक है, लेकिन आजकल जैसे हम देख रहे हैं जमाना बहुत खराब है, ज्वेलरी पहन के घर से बाहर निकलना ही बड़ा मुश्किल है, तो ज्वेलरी लोग ले तो लेते हैं उस टाइम शॉक शॉक में, और फिर बाद में तिजोरी में बंद दिखती है। तो अगर तिजोरी में किसी चीज को बंद करना है, तो मेरा मानना है या तो आपको हार्ड चाहिए, अगर फिजिकल चाहिए कि आपको अपने हाथ में चीज चाहिए, तो किसी सुनार से जाके उसका बिस्किट ले लीजिए, छोटा सा, 10 ग्राम ले लीजिए, 20 ग्राम, 50 ग्राम, जो भी आपका पोटेंशियल है, आप अपना वो बिस्किट लेके तिजोरी में बंद करके रख दो, मन को संतुष्टि रहेगी कि हाँ ठीक है मेरे पास गोल्ड है। दूसरा तरीका है जो मैं खुद प्रेफर करता हूँ, मैं खुद भी उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, जो कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जिसे कहते हैं। उसके अंदर आप डीमेट अकाउंट खुलवा रखा अगर आपने, तो उसके अंदर, उसके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी नियरेस्ट बैंक की ब्रांच पर जाके वहां भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। आरबीआई बीच बीच में इसको इशू करता रहता है, न्यूज में आता रहता है, आप वो देखेंगे, और जब वो आरबीआई इशू करे तो आप किसी भी नियरेस्ट बैंक में जाके उसको परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, नेट बैंकिंग में भी शो कर जाता है। तो उसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहता है, आज आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आज के रेट जो गोल्ड चल रहे हैं उस पर आप इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन कल को क्योंकि आरबीआई ने इशू करा है, गारंटीड रहेगा, ये डिजिटल गोल्ड रहेगा और 8 साल की इसकी मेच्योरिटी रहती है, 5 साल बाद आप जब चाहे इसको रिडीम भी कर सकते हैं बीच में, लेकिन 8 साल की इसकी मेच्योरिटी रहती है, 8 साल बाद ऑटोमेटिकली इसका जो भी उस टाइम गोल्ड का रेट चल रहा होगा तो आपको उसका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। और प्लस इस ड्यूरेशन में, जो 8 साल की ड्यूरेशन है, आपको पर ईयर 2.5% का इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में मिलता चला जाएगा, 6-6 महीने में आता है 1.25% करके 2 बार, तो ये इंटरेस्ट आप ये मान के चलिए फ्री का ही है, आपको खर्चा पानी मिलता रहेगा। तिजोरी के अंदर आप गोल्ड बंद करेंगे तो कोई ब्याज तो उसमें मिलेगा नहीं, कल को जब गोल्ड बेचेंगे तो तभी की वैल्यू मिलेगी, लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको गोल्ड की तो वैल्यू मिल रही है कल की, प्लस ये बीच में जो 2.5% का इंटरेस्ट आपको ईयरली मिल रहा है, ये फ्री का है। तो गाइस, मुझे भी ये तरीका बहुत सही लगता है, अगर आप भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत अच्छा तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो इसमें कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगता, और 2.5% का इंटरेस्ट मिल जाता है, और जो गोल्ड का रेट बढ़ता है वो तो बढ़ता ही है, हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ती रहती है, तो एक काफ़ी सही तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। रोहित जी, आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या है, आप किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको, मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ करता हूँ औरों को कुछ रेकमेंड करता हूँ, जो मैंने दूसरों के लिए स्ट्रेटजी बताई वही मैंने अपने लिए, क्योंकि हम एक यंग एज में हैं, तो मैं भी फुल्ली एग्रेसिव होकर चलता हूँ, क्योंकि मेरा भी है कि आगे मुझे कुछ बड़ा करना है, सिंपल कहें तो दाल रोटी में नहीं जीना, तो इसलिए मेरा भी मोस्टली पोर्टफोलियो मेरा फुल्ली एग्रेसिव है, इक्विटीज में मैं इन्वेस्टेड हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं देंगे, आप जो चाहें आप करना चाहें, एज अ डिस्क्लेमर, आप जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे, उसके कंसल्टेशन से ही चीजें करें जो भी हम बता रहे हैं वीडियो के अंदर। तो मैं तो पूरा फुली अग्रेसिव रहता हूं इक्विटीज के अंदर, इक्विटी बहुत बढ़िया लगती है मुझे, प्लस छोटा सा पार्ट है गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट रखते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस, और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कभी डेट इंस्ट्रूमेंट वगैरह में भी कर लेते हैं।
अच्छा रोहित जी, जो लोग बिगिनर हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत फंड है, पैसे हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक बात बताइए, उन्हें कितना पैसा स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि उन्हें अभी ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है या ज़्यादा कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, लेकिन वो इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं, तो कितना पैसा स्टार्टिंग में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए? और दूसरी बात, कौन कौन सी बातें उन्हें ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले? देखो, मेरा मानना है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है या स्टॉक मार्केट में जैसे भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इन्वेस्ट करो, एज मच एज दे कैन। क्योंकि अगर आप पोटेंशियल आपका बड़ा है, ज्यादा पैसा आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पैसा लगाएंगे, फॉर एन एग्जाम्पल आप 50 लाख रुपए लगा सकते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन लगाए 50,000 रुपए, तो फिर 3-4 साल बाद अगर वो 3-4 गुना पैसा भी हो गया तो आपके हाथ में कितना आएगा? 1.5-2 लाख रुपए दिखेंगे। लेकिन अगर आपने 50 लाख लगाए होते या 25-30 लाख लगाए होते, वो 3-4 गुना होंगे तो आपको फर्क पड़ेगा, आपको दिखेगा कि 1 करोड़ रुपए हाथ में आए हैं। लेकिन अगर उसकी जगह आपके हाथ में 1.5-2 लाख रुपए आए, आपको 5 साल वेट भी किया और इतने से पैसे हैं, इतने तो मैं अपने बिजनेस से ही कमा लेता, इससे ज्यादा कर लेता है, ऐसे वैसे, तो आप क्या करोगे? स्टॉक मार्केट छोड़ दोगे कि बेकार है, तो यहाँ इतना पैसा नहीं होता। आप ये तो देखो आपने लगाया कितना, तो जितना आप लगाओगे, जैसे लगाओगे, आपको टाइम देना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म रखनी पड़ेगी, तो आपका एक अच्छा ठीक ठाक पैसा बनेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एज मच एज यू कैन, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इन्वेस्ट करें। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, जो कि सेकंड क्वेश्चन भी हमारा, किस तरह से करना चाहिए कि आपको नॉलेज है स्टॉक मार्केट की तो आप डायरेक्ट जाएं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है कि ज्यादा पैसा लगा रहे तो कोई दिक्कत है, आप म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं ज्यादा पैसा। या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं जिसमें मिनिमम आपको 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना पड़ता है, बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज है, एक्सिस, HDFC वगैरह, ये सब इनके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी चल रही हैं, सेबी रजिस्टर्ड है, पूरा ऑथराइज्ड है, पूरा लीगल सिस्टम है, पूरा रेगुलेटेड है, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं, उसमें भी आप पैसा अच्छा अर्न कर सकते हैं धीरे धीरे इन्वेस्टिंग में। तो इस तरह से चीजें आपको करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका एक बड़ा आदमी बनने का सपना पूरा हो सकता है। रोहित जी, एक बात मेरे माइंड में ये आ रही है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो वो सीधा ही एक लाइन में ये बात बोल देते हैं कि यार स्टॉक मार्केट तो सट्टा है, जुआ है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये स्टॉक मार्केट एक सट्टा है या जुआ है? मेरा उन लोगों से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि उन लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च कितनी करी, पढ़ाई कितनी करी। आप सिंपल एग्जाम्पल सोचिए, अगर कोई हम छोटी सी दुकान भी खोल रहे हैं, उससे पहले हम सब ये लोग जानते हैं, मान के चलते हैं कि थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज के ऊपर, थोड़ा काम किया होना चाहिए, हमें पता होनी चाहिए चीजें, बाकी काम करते करते हम धीरे धीरे सीख जाते हैं। लेकिन जनरली मैंने इंडिया के अंदर यही चीज देखी है कि लोग इसने स्टॉक बता दिया, उसने बता दिया, ये ले ले, वो ले ले, इतने पे खरीदते उतने पे बेचते, या फिर जहां डीमैट अकाउंट खुलवाया वो ब्रोकर वहां से फोन करता है कि सर ये ले लो, वो बेच लो, ऐसे फटाफट फटाफट, उसको तो अपनी ब्रोकरेज बनानी है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, आपका पैसा बने ना बने उसका तो बन ही जाएगा, वो तो कैसीनो खोल के बैठे हैं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। तो आपको अपना ख्याल अपना खुद रखना पड़ेगा, अगर आपने अपना पैसा लगाया तो ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ देंगे दूसरे को भरोसे, आपको खुद अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, तब जाके अगर आप ये सब कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो आप म्यूचुअल फंड में जाएं या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो मैंने बताई मिनिमम 50 लाख वाली, उसमें आप ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो बेकार है, जगह आपके लिए नहीं है, FD कराओ वही बढ़िया। ओके, तो अभी आपने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है इन्वेस्टिंग के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर। अच्छा रोहित जी, म्यूचुअल फंड या ये सभी प्रोफेशनल टाइप बातें तो खैर होती रहेंगी, बाद में भी होती रहेंगी, थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ, अगर थोड़ी सी इजाज़त हो, थोड़ा सा आप बताएंगे आपका डेली का रूटीन क्या है? डेली रूटीन, अब देखिए हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड लोग हैं और पिछले कई साल से हैं, तो एक आदत पड़ गई है, और आदत से ज़्यादा मैं कहूँगा ये मेरा पैशन है, आई लव दिस मार्केट, मतलब प्यार हो गया मुझे इस मार्केट से। मैं सुबह उठते ही पहले तो 5:30 बजे ये जापान की मार्केट या अदर एशियन मार्केट से सब खुल जाती हैं, पहले तो उनको ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर उनके अंदर कोई न्यूज़ आ रही है उससे रिलेटेड स्टॉक्स देखने लग जाते हैं, उनको रिसर्च करते हैं, प्रॉफिट्स अर्निंग्स वगैरह वो सब चीज़ें, फिर उनके फंडामेंटल, कभी कोई ज़्यादा स्टॉक अच्छा लग गया तो फिर उसकी एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ते हैं, तो बहुत सारी रिसर्च वाली चीज़ें होती हैं जो हमें करनी पड़ती, तब जाके स्टॉक्स लेते हैं, ऐसे नहीं है कि किसी ने बता दिया और हमने जाके ले लिया आँख बंद करके, वो काम नहीं, अगर किसी ने बताया भी है तो हम खुद अपनी स्टडी करते हैं तब उसके बाद लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा, मैं खुद भी एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी में जॉब करता हूँ एज एन ऑपरेशंस मैनेजर, तो
फिर वहां पे जॉब का टाइम अपना वहां देना पड़ता है, वहां भी चीजें सीखते हैं क्योंकि फंड मैनेजर्स के बीच में ही रहता हूं मैं, तो वहां पे सीखने को भी बहुत ज्यादा कुछ मिलता है। इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कब किस स्टॉक में किस तरह से एंट्री ली जाती है, कैसे एग्जिट लिया जाता है, कब हमें कितना कितना पोर्टफोलियो एलोकेशन करना चाहिए, या फिर किस तरह से हम कितना कितना पोर्शन हमें जब स्टॉक बढ़ जाए कितना कितना पोर्शन हमें कब कब बेचना चाहिए, कितने कितने परसेंटेज, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो मेरे लिए एक अच्छा बेनिफिट है कि वहाँ पे मैं मुझे ऐसी कंपनीज में ऐसे फील्ड में ऐसी जगहों पे काम करने का मौका मिला, बहुत सारा कुछ सीखता हूँ। और वही मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ अपने जितने व्यूअर्स हैं उनके सबके साथ ये नॉलेज शेयर करने की, बस वही मेरा मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें एजुकेट हों और वो भी आगे बढ़े। इंडिया एक बढ़ती इकोनॉमी है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, पब्लिक पैसा आगे बढ़ रहे हैं लोगों का, तो आप लोग भी आगे बढ़े साथ में, ऐसा ना हो इकोनॉमी तो आगे बढ़ जाए और आप पीछे रह जाए। इसलिए मेरी भी कोशिश ये है कि इकोनॉमी के साथ साथ आप लोग भी आगे बढ़े, फुली इंक्लूसिव ग्रोथ है। रोहित जी, कोई एक ऐसा मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहें अपनी तरफ से? इन्वेस्ट करो, दिल खोल के करो, लेकिन पूरी सोच समझ के, समझदारी के साथ, पूरी रिसर्च के साथ, आंख बंद करके अंधेरे में लठ नहीं मारना। अगर अपना जो भी अगर किसी ने बताया भी कोई रिसर्च, तो अपनी खुद की रिसर्च आपकी होनी चाहिए। जब तक आप ये रिसर्च करने लायक नहीं हो जाते, कोई बड़ा पैसा आप ना लगाएं, थोड़ा बहुत ठीक है, और बेस्ट ये रहेगा म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाएं, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ना आए जब तक आप चीजें सीख नहीं जाते। ओके, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी बातें आज हमें बताई, काफी कुछ क्लियर हुआ। तो गाइस, हमने बहुत कुछ जान लिया, काफ़ी कुछ नई चीज़ें हमें पता चली हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, और सॉवरेन गोल्ड के बारे में, यानी कि गोल्ड इन्वेस्टिंग के बारे में। तो आई होप ये सभी बातें, ये सभी आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी आपको लर्न, आपको ग्रो करने में, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करने में और ग्रो करने में। आपको इन सभी बातों में से कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी, आपको अच्छी लगी, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करने वाली है, आप कमेंट करके बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लाइक करना इस वीडियो को, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी इसी तरह से काम करते रहने के लिए। और एक लास्ट में एक मैसेज देना चाहूँगा गाइस, अगर आप भी एक क्रिएटर हैं या आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी, आप किसी सब्जेक्ट में, किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो आप भी इसी तरह से मेरे साथ एक पॉडकास्ट सीरीज़ आप शूट कर सकते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, हम बात करेंगे और इसी तरह से एक पॉडकास्ट शूट करेंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, जो भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है लेकिन उन्हें समझ नहीं है किस तरह से वो इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहें, तो इस वीडियो को शेयर करना, उनको भी हेल्प मिलेगी कुछ नया सीखने में। इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, इससे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। इस वीडियो को अगर आप Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका और रोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद।